और जिस प्रकार से 15 दिन के अंदर फैसले लिए हैं, एक पॉजिटिव संदेश जनता के बीच में गया है। कल मीडिया वाले मेरे इंटरव्यू ले रहे थे तो मीडिया के इंटरव्यू के बाद ऑफ द रिकॉर्ड उससे बात करने लगे, क्योंकि जोशी जी वास्तव में 15 दिन में बख्शू को कुछ नहीं मिल रहा कि हम सरकार पर क्या हमला करें, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो। अभी 24,000 रोजगार हम देने जा रहे हैं। अभी मेरे विभाग में हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20 ग्रामीण क्षेत्र में सरकार से प्रधानमंत्री वेंडर योजना शहर में लागू हुई थी, हम 20,000 उनको रोजगार देने जा रहे हैं। कई इंडस्ट्री पार्क बनाने जा रहे हैं। अभी जो हमारे एंट्रेंस जो डॉक्टर होते थे इंटर्नशिप करते थे, हमारे जो सैनिकों के बच्चे, और एक बार मैं दीदी का प्रणाम करते हुए और दीदी का स्वागत करते हुए और दीदी से माफी मांगते हुए कि आप मुख्यमंत्री हैं तो मैंने सुन से कहा भैया लोगों को जरा नमस्ते कर लूँ तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हार नहीं मानी, वो कार्यकर्ताओं ने
जान जोखिम में डाल करके इस कोविड आपदा में कार्य किया, और जो स्थितियां बनी शांति धैर्य प्रदान करने के लिए हम परम परमेश्वर से यह कामना करते हैं हम लोग शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को हमें शीघ्र कमलों में स्थान दें। मैं गणेश चौथी जिंदाबाद कुसुम नहीं बोलते तो साथ हो। जैसे कि आज हम अपने जो मंडल की कार्य समिति में भाग लेने के लिए सब यहाँ पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और जैसे कि हम सब लोग जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सभी पुराने कार्यकर्ता है, हम सबको पता है कि जो कार्य समिति मंडल में होती है इसका कितना महत्व संगठन की दृष्टि से और क्षेत्र में विकास की दृष्टि से होता है। एक ये पूरी रणनीति जो आगामी जब तक हमारी आगे कार्य समिति नहीं होती पूरी उसी रणनीति से बनती है कि जैसे कि अपना हमारे जो कुछ कार्यक्रम हमको मिले हैं संगठन की दृष्टि से कि मंडलों में जितने भी अपने शक्ति केंद्र के जो संयोजक हैं, बूथों के जो संयोजक हैं और बूथ की जो हमारी कमेटी है उसका सत्यापन हमको करना है। इसके लिए जो हमारे मंडल की जो टीम है, मेरा निवेदन है दीदी से, जो आपकी अपनी टीम है उन सबको उन बूथों का मंडलों का प्रभारी बना के उनको उनको भेजा जाए और जितनी भी हमारी कमेटी बनी हुई है उनका सत्यापन करा दिया जाए, और जहाँ पे भी कोई त्रुटि है या जहाँ पे भी कोई कार्यकर्ता जिसका मन शायद ना कर रहा हो या किसी कारण उसको अपनी उपस्थिति दर्ज ना करा पा रहा हो, क्योंकि इस टाइम हम चुनावी मोड में हैं, आगामी कोई 5-6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, तो कोई भी कड़ी ऐसी ना रह जाए कि जिसकी वजह से हमको आगे दिक्कत हो। तो मेरा निवेदन है कि जितना भी सत्यापन हो पूरा वो हम कर लें। इसके साथ ही हमको वोटर लिस्ट मिल चुकी होगी सभी को बूथों पे, तो जितनी भी हमारी वोटर लिस्ट है जितने भी उसके पन्ने हैं हमको हर एक पन्ना का प्रमुख बनाना है, और एक पन्ने में जैसे हम सबको बताया लगभग लगभग 60 वोट होते हैं, और उन 60 वोटों में हर 10 वोट पे एक अपना कार्यकर्ता नियुक्त करना है, तो उसकी वो देखेगा लगभग लगभग 6 कार्यकर्ता और एक पन्ना बनो, ये 7 आदमी की टोली एक पन्ने में बनेगी, जिससे कि हम सब ये आइडेंटिफाई कर लें कोई जितने हमारे बूथ हैं वोटर हैं वो हमारे ही हो जाए, हम घर जाकर संपर्क कर लें, उनके बीच अगर वोटर कोई रहना गया हो छूटना गया हो इसको भी हम सम्मिलित कर लें अपने वोट में। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात का कार्यक्रम हर महीने के लास्ट संडे को आता है उसको भी हमें देखना है कि वो जो कार्यक्रम है हर बूथ पे हो जाए, और कार्यक्रम के साथ साथ जो हमको एक मन की बात मिली हुई है तो मन की बात की जो बुक है बुकलेट बनी हुई है तो वो सभी बूथ अध्यक्ष तक नहीं है। मेरा निवेदन है अध्यक्ष से कि वो अपने महानगर से बुक लिया है, ठीक है, 60 बुक जैसा कि हमसे पहले कौन अध्यक्ष थे कौन हमारे पास बुला हुआ है, और जितने वो मन की बात का कार्यक्रम कि जो हमारे शरीर में बनाए हुए हमने स्तर तक हम उनका उनका गठन कर लें या अगर गठन कर लिया हो तो उसका सत्यापन हम कर लें। इसके अलावा जैसे कि साथियों ये जुलाई का महीना चल रहा है और 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक हम जनसंघ से हमारी ये पार्टी चली आ रही है, जहां हमारे 2 सांसद हुआ करते थे आज एक विशाल वट वृक्ष हम लोगों का है, और उस विशाल वट वृक्ष के नीचे हम लोग फल रहे फूल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे कार्य हो रहे हैं जो भूतों भविष्य कभी हम सोच ही नहीं सकते थे। हम कहते थे 370 हम हमेशा हमारे घोषणा पत्र पे होता था हम आएंगे तो हम 370 हटाएंगे, हमेशा हमारा रहता था, हम कहते थे कब सपना है कभी ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन आप लोगों ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने आसानी से 370 हटा
आप लोगों ने देखा कि कहीं खून की नदियां बही, कुछ भी नहीं हुआ, इतने आराम से 370 को हटाया। हमारी केंद्र की सरकार, जो हम कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, आज इतने आसानी से सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला दिया और आज हम लोगों का राम मंदिर, जो हम लोगों की आस्था की भावना है, तमाम कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम काम हो रहे हैं। और ऐसा व्यक्तित्व कल आप लोगों ने देखा होगा, वे थे प्रमुख व्यक्ति थे ना, पहला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति, ऐसा सन्यासी पुरुष तो मुझे लगता है कभी हो ही नहीं सकता है, जिसे भारत की चिंता है। आज भारत, हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आज इतने बड़े बड़े ना इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चल रहा है, तो उसमें क्या है, हमारे ही कार्यकर्ताओं ने राशन की दुकान में जाके एक बैनर लगाना है या फ्लैक्स लगाना है, उसमें मंडल अध्यक्ष जी को वो कैसे बैनर बनेगा, कैसे बनेगा और कैसे, और एक थैला बनाना है, कम से कम एक बूथ, एक राशन की दुकान में 25 थैले देने ही देने हैं, 25 थैले हमें देने ही देने, और देख रहे हैं कि राशन सही तरीके से वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारी विधानसभा में या हमारे मंडल में कितनी राशन की दुकानें हैं और उसको